दिल्ली से बड़ी खबर। दिल्ली के प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री मोदी ने बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया है। बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो में प्रधानमंत्री मोदी इन्वेस्टर्स को संबोधित कर रहे हैं। सीधा आपको लिए चलते हैं। इसकी वजह पर भी मैं विस्तार से बात करना चाहूंगा। साथियों, आज अगर भारत को बायोटेक के क्षेत्र में अवसरों की भूमि माना जा रहा है तो उसके अनेक कारणों में पांच बड़े कारण मैं देखता हूं। पहला, डाइवर्स पॉपुलेशन, डाइवर्स क्लाइमेट जोन्स। दूसरा, भारत का टैलेंटेड ह्यूमन कैपिटल पूल। तीसरा, भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बढ़ रहे प्रयास। चौथा, भारत में लगातार बढ़ रही बायो प्रोडक्ट्स की डिमांड। और पांचवा, भारत के बायोटेक सेक्टर यानी आपकी सफलताओं का ट्रैक रिकॉर्ड। ये पांचों फैक्टर्स मिलकर भारत की शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं। साथियों, बीते 8 साल में सरकार ने देश की इस ताकत को बढ़ाने के लिए निरंतर काम किया है। हमने होलिस्टिक और होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच पर बल दिया है। जब मैं कहता हूं सबका साथ सबका विकास, तो ये भारत के अलग अलग सेक्टर्स पर भी लागू होता है। एक समय था जब देश में ये सोच हावी हो गई थी कि कुछ ही सेक्टर्स को मजबूत किया जाता था, बाकी को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता था। हमने इस सोच को बदल दिया है, इस अप्रोच को बदल दिया है। आज के नए भारत में हर सेक्टर में उसके विकास से ही देश के विकास को गति मिलेगी। इसलिए हर सेक्टर का साथ, हर सेक्टर का विकास, ये आज देश की जरूरत है। इसलिए हम हर उस रास्ते को एक्सप्लोर कर रहे हैं जो हमारी ग्रोथ को मोमेंटम दे सकता है। सोच और अप्रोच में ये जो महत्वपूर्ण बदलाव आया है वो देश को नतीजे भी दे रहा है। हमने अपने मजबूत सर्विस सेक्टर पर फोकस किया तो सर्विस एक्सपोर्ट में 250 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड बनाया। हमने गुड एक्सपोर्ट पर फोकस किया तो 420 बिलियन डॉलर के प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट का भी रिकॉर्ड बना दिया। इन सबके साथ ही हमारे प्रयास अन्य सेक्टर्स के लिए भी उतनी ही गंभीरता से चल रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।